बड़े आंदोलन की तैयारी में अफसरशाही व्यवस्था में कोई किन्हीं का नहीं सुन रहे मन। कार्यक्रम पदाधिकारियों को हम साफ साफ चेताना चाहते हैं कि ये सरकार पैसा के साथ साथ बड़ा बड़ा प्रेम पत्र भी देती है। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं। हम राजधानी पटना के दरोगा रायपत के भवन में मौजूद है और यहाँ पर मुखिया संघ यानी कि पंचायती राज प्रदेश कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में सरकार की नीतियों से नाराज मुखिया संघ और पंचायती राज के कई कर्मचारी हम यहाँ पर मौजूद है। क्या लगता है सरकार की नीतियों से आप लोगों को क्या सामना करना पड़ा है, क्या कठिनाई हो रही है? ये 2 साल से नहीं बल्कि हम लोग को ये 3रा साल होने जा रहा है, पंचायती राज व्यवस्था कगार के स्थिति में आ गया है। जो गांव का विकास है वो पूर्ण रूपेण बाधित हो गया है। अब हम लोग बाध हो के अब हम लोग सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि पूरे सरकार से पदाधिकारी से सबसे हम लोग अपना जो बात था जनता का जो समस्या था उसको रखने का काम किए, लेकिन यह आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रहा है और न हमारे जो अफसरशाही व्यवस्था में कोई किन्हीं का नहीं सुन रहा है। मंत्री जी के पास भी हम लोग बात रख रहे हैं लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हो रहा है। अब हम लोग उब चुके हैं और जो आने वाला जो हम लोग का जो इस बार नवम्बर और दिसंबर महीना होगा हम लोग सरकार को यह पूरे चप्पे चप्पे पटना को भरने का काम करेंगे आम जनता के साथ। ये मेरा समस्या नहीं है, ये जनता का समस्या है। ये गांधी और लोहिया के संदेश देकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चले थे लेकिन वह जो गांधी और लोहिया का जो सपना था वह सकना चूर हो रहा है। अब हम लोग बाध होके या रोड पर उतरने के लिए नवंबर और दिसंबर माह में तैयार हो गए सभी। सरकार की नीतियों से कितना आप लोग को लगता है कि गलत पे दोहरी नीति अपना रही है या फिर आप लोगों के साथ दोहन कर रही है? ये सरकार जब से आई है तब से त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को दोहनी की है और 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 वो अपना थीम बनाती है और पंचायत के पैसा को ही यूज करके अपना थीम को पूरा करती है। ये नहीं चलने वाला है क्योंकि पंचायत का पैसा ग्रामीणों का पैसा है, ग्राम सभा से जो पास होगा उसमें इम्प्लीमेंट होगा, उसको काम होगा। लेकिन ये सरकार पैसा के साथ साथ बड़ा बड़ा प्रेम पत्र भी देती है कि आपको इस मद में ये खर्चा करना है, इस मद में सोलर स्ट्रीट लगाना है, जल नल में देना है, बिजली बिल देना है, ये अनुरक्षक का बिल देना है। जितना पैसा देती है उससे ज़्यादा का बजट बना के पहले दे देती है तो ग्रामीणों का काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय जी है। सबसे पहले सर, आप लोग लगातार जो है सरकार को कहीं ना कहीं जागृत करने का काम कर रहे हैं, चेतना जगाने का काम कर रहे हैं लेकिन सरकार अपनी बातों को छोड़कर आप लोगों की बातों पर राजी नहीं हो रही, क्या करने वाले हैं? देखिए, राजी तो होना ही है, आज नहीं हो कल होना ही है क्योंकि आपकी भी बारी अब आ चुकी है। तो हम लोगों का साफ साफ कहना है कि अभी जो मनरेगा का जो आंदोलन हमारा चल रहा है तो बरसों पुराना मांग है पंचायत प्रतिनिधियों का, आज का नहीं है, कई बरसों से लगातार लोग मांग कर रहा है कि मनरेगा में व्यापक सुधार हो। जो मनरेगा में प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा बरसों से नहीं बढ़ाया जा गया है, मनरेगा में जो मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आखिर रोजगार जब डिमांड ही नहीं चलेगा, नया योजना का सृजन नहीं हम कर पाएंगे, 20 योजना को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो जिस प्रकार से जो भुगतान का मामला है, जो पंचायत को कानून से अधिकार है तो पंचायत में मनरेगा के कानून से बड़े अधिकारी नहीं ना है। और जो कार्यक्रम पदाधिकारियों का रवैया है, कार्यक्रम पदाधिकारियों को हम साफ साफ चेताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अगर कोई ग्राम पंचायत में मनरेगा का रोजगार के लिए डिमांड नहीं गया है, और आपसे साफ साफ कहना चाहते हैं पीओ लोगों से कि पीओ साहब स्पष्ट आपको चेतावनी है कि आप सभी मनरेगा में अभी कहीं डिमांड नहीं चल रहा है और साजिशन अगर आपने विफल करने का प्रयास किया तो आपके विरुद्ध हम लोग पोल खोल अभियान चलाएंगे और आपको सड़क से लेकर के और आपके खिलाफ सदन तक हम लोग लड़ाई लड़वाने का काम करेंगे। इसलिए साफ साफ कहना है कि मनरेगा हड़ताल व्यापक रूप से जो आज पंचायतों में हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है मजदूरों के माध्यम से, उसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप कार्यक्रम पदाधिकारी नहीं करने का काम करें। और सरकार से साफ साफ मांग है कि भैया सरकार निश्चित रूप से सुने, अगर नहीं सरकार सुनेगी तो हमारा दिसंबर में जो कार्यक्रम नवंबर दिसंबर चलेगा वह लगातार चलेगा और उस आंदोलन की आग में सरकार भी जल जाएगी। क्या बड़ी आंदोलन के कगार पे है? एकदम बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लोग देखिए लगातार जो है जन समस्याओं को लेकर इन लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाते रहते हैं और यह तमाम जो लोग का कहना है कि ये समस्या जो है हमारी और आपकी है और समाज जिन लोगों के द्वारा इन लोगों को मुखिया बनाया जाता है, कैंडिडेट प्रतिनिधि बनाया जाता है, वह लोग जो है कहीं ना कहीं इन समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और विकास के नाम पे वोट लेना हमारी प्राथमिकता होती है और विकास करना भी हमारी प्राथमिकता होती है। तो सरकार से इनकी खुली चुनौती है और सरकार अगर बात मान लेती है तो फिर यह लोग जो है सरकार की साथ चलेंगे, नहीं तो फिर बड़े आंदोलन की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
बाकी इस तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।